आपको लेके जाने वाला हूँ यहाँ की नाइट लाइफ दिखाने। आदमियों के लिए वाकई में बहुत सारे नज़ारे हैं यहाँ पे। मैं आपको ले आया हूँ यहाँ की फेमस अर्बन स्ट्रीट पे। इसके पीछे की साइड क्लब्स है। दूसरा चीजें भी होती हैं जो लोग अगर कुछ दिमाग में लेके आए, कह रहे बहुत एक मशहूर है जिसका नाम है करीना। नंबर, फोटो, उस पर सब कुछ मिल जाएगा, कॉन्टेक्ट करो और आ जाएंगे। 5,000 टेंगे यानी 1,000 रुपए से स्टार्ट हो जाता है सामान। यहाँ पे भी सारी चीजें लीगल है भाई। लोकल यू आर फ्रॉम? जो लड़की रात को निकली हुई है वो सारी। तो भैया कजाकिस्तान आओ और KFC ना ट्राई करो तो ऐसा नहीं हो सकता है। खाते हैं फटाफट और चलते हैं। आपको लेके जाने वाला हूँ यहाँ की नाइट लाइफ दिखाने जिसका नाम है अर्बन स्ट्रीट। मज़ा आ गया। ये मॉल है कोई सिल्क वे सिटी मॉल, जैसे इसके के पास है अराउंड 800-900 मीटर के दायरे में आपका अर्बन स्ट्रीट। अगर आप नज़र घुमा के देखोगे ना तो लेडीज ही लेडीज नज़र आएंगी। मतलब नज़ारे आदमियों के लिए वाकई में बहुत सारे नज़ारे हैं यहाँ पे। खूबसूरती है, ठंडक है, अच्छा मौसम है, अच्छी जगह है, साफ सुथरा है सब कुछ, बहुत ही प्यारी जगह है। एक्चुअली में जैसे ये सड़क बनी ना, इसके साथ जो सर्विस लाइन बनी है जहाँ लोग चलते हैं, तो यहाँ इस तरह से बैठने के रेस्टोरेंट वगैरह जो बने हुए हैं ना, बहुत ही खूबसूरत। इस तरह से रिचार्ज करने की मशीनें लगी हुई हैं और इस तरह से शॉप्स मिल जाती है आपको खाने पीने की दुकानों की, बार, रेस्टोरेंट वगैरह यहाँ पर हर जगह मिल जाएंगे। ये कुछ माहौल है इस वक्त शाम का। वेलकम टू अर्बन स्ट्रीट ऑफ अल्माटी। अल्माटी की नाइट लाइफ के लिए मैं आपको ले आया हूँ यहाँ की फेमस अर्बन स्ट्रीट पे, जो कि माहौल कुछ इस तरह का है। काफ़ी बड़ी स्ट्रीट है, दोनों तरफ मतलब चलने का, बीच में रुकने का, भाई साहब धक्के भी मार के चले गए हैं। कुछ कुछ ये वैसा ही है जैसे मुझे वियतनाम की एक स्ट्रीट थी ना जहाँ पे आपको घुमाई थी। सारे यंगस्टर नजर आएंगे आपको यहाँ पे, सारे के सारे यंगस्टर। इससे शोर में जा रखा मेरा कॉपीराइट लगेगा। यहाँ लोग चिल करते हैं। इसके पीछे की साइड क्लब्स है, रेस्टोरेंट्स वगैरह बने हुए हैं। बहुत ही मज़ेदार जगह है ये, शायद कोई मॉल है। कलरफुल सा मॉल है यार, मज़ेदार, क्राउड बहुत अच्छा है और मज़ा आएगा आपको। हेलो हेलो प्रीवियत। तो भाई देख लो, और यंगस्टर ही नज़र आने वाले आपको यहाँ, सिर्फ यंगस्टर आप देख सकते हो। वहाँ से शुरू होता है टिल वहाँ तक, और इसमें आपको काफ़ी सारे इंडियन स्टूडेंट्स भी नज़र आ जाएंगे, क्योंकि ये एक ऐसी जगह है जहाँ लोग मेरे ख्याल से डेटिंग वगैरह के लिए आते हैं। लोग बड़े बड़े आपको स्टोर्स वगैरह नज़र आ जाएंगे, और ये कुछ इंडियन भाई भी बैठे हुए हैं। कहाँ से मेरे भाई लोग? राजस्थान वाले यार, सारे यहाँ कजाकिस्तान राजस्थान, ये बात। राजस्थान वालों ने क्या सबने डॉक्टर बनना है क्या? माहौल यहाँ कैसा रहता है? क्लब्स वगैरह किस साइड है? इधर है, आगे है, पीछे है, कहाँ? एरिया में नाइट लाइफ के यही मेन मशहूर है। मतलब मैंने इससे पूछा नाइट लाइफ हंसने लग गया। नाइट लाइफ मतलब किस तरह की नाइट लाइफ होती है? नाइट लाइफ वही है, क्लब क्लब जाओ, क्लब क्लब जाओ, आगे भी तो बताओ, आगे अंदर तो फिर आप पे है। अच्छा, मतलब नाइट लाइफ क्लब वगैरह मस्ती वगैरह होती है। दूसरा चीज़ें भी होती हैं जो लोग अगर कुछ दिमाग में लेके आए, सब कुछ होता है, सेफ रहता है। स्ट्रिप क्लब्स हैं, स्ट्रिप क्लब्स हैं, जैसे बैंकॉक में होते हैं ना भैया, वो पोल डांस होता है, न्यू डांस टाइप का कुछ ऐसा होता है, तो बाकी उसके बाद फिर वो अपने ऊपर है। कुछ नाइट लाइफ इंजॉय करी तुम लोगों ने? हाँ करी है। तो भाई लोगों से बात कर रहा था, मतलब एक्सपीरियंस होल्डर है ये भाई, को 3 साल हो गए, ये भाई को 2 साल हो गए, तो ये भाई तो काफ़ी एक्सपीरियंस है। मेरे को बता रहा था कि यहाँ नाइट लाइफ काफ़ी अच्छी है, जो लोग नाइट लाइफ को लेके अल्माटी आना चाहते हैं, क्या मौज मस्ती रहेगी, क्या सिस्टम रहेगा, मैं वही बात कर रहा था भाई से। तो मेरे भाई एक चीज़ बताओ, जैसे क्लब वगैरह में लेके जाएं, मतलब क्लब में जाएं तो वहाँ से फ्री में जुगाड़ बैठ जाता है, ऐसा कुछ होता है? फ्री में ड्रिंक वगैरह ऑफर करो, थोड़ा ऑफर करो वगैरह, मतलब लूटने वाला चक्कर तो नहीं है? जैसे क्या होता है थाईलैंड में, क्या होता है जैसे तुम किसी क्लब में गए, तुम्हारी ड्रिंक है 100 रुपये की, कोई लड़की आकर ड्रिंक बोलेगी ना मेरी ले दो, तो उसकी ड्रिंक होगी 1,000 रुपये की, तो वो चक्कर तो नहीं है ना यार? वो चक्कर नहीं है भाई, चलो ठीक है, ये बात तो हो गई। लोग फ्रेंडली भी होते हैं काफ़ी, तो लोकल लोंडे भी दोस्त बन गए, तो वो भी बता देंगे कि उधर जाओ इधर जाओ ये करो। हाँ वो तो मैंने नोटिस करा, लोग यहाँ फ्रेंडली हैं। चोर बजारी तो नहीं है? नहीं चोर, मतलब अगर लड़की की ऐसा भी होता है कि लड़की कहती है मेरे साथ चलो अपने कमरे में, मतलब उसकी कोई जगह होती है? वो तो आप ले जाओगे लड़की की, वो ले। जनरली कई लोगों का क्या होता है, एक अपना अड्डा बना रखा होता है, ऐसा कोई अड्डा वड्डा बना रखा होता है? तो भाई जो एक टूरिस्ट आएगा वो कहाँ लेकर जाएगा? अपने होटल वगैरह, फ्लैट पे कहीं भी। भाई साहब अपने होटल वगैरह में आप बात करके रखना, आप ले जा सकते हो, मतलब कहने का मतलब ये। और मतलब कोई दिक्कत, चोरी चिकारी, चोर भी वैसा कुछ नहीं है? ठीक है मेरे भाई, कोई बड़ा स्टैंड चाहिए बस। और यहाँ कह रहे बहुत एक मशहूर है जिसका नाम है करीना। कह रहे इंडियंस में बहुत मशहूर है, जैसे हमारे वहाँ पे बॉलीवुड में करीना बहुत मशहूर है, यहाँ पे भी इंडियंस में
करीना बहुत मशहूर है, तेरे सब ने उस पर अपना प्यार लुटाया है, समझ रहे हो ना? तो भाई यहाँ आओ तो पूछ ले करीना, वो करीना कहाँ मिलती है? फोन कर दो, मैसेज डाल दो आधे घंटे में। अच्छा कोई यहाँ पे कोई ऐसी ऐप है, कोई सिस्टम है? अरे भाई यहाँ पे कोई ऐप भी है, बताओ क्या सिस्टम है उसका? किसदार साइट है उस पे। क्या नाम है? किसदार। किसदार भाई, ये किसदार साइट का नाम डाल रहा हूँ, आप आओ ये डाउनलोड कर लेना। फिर करना क्या होता है ये बताओ? ओहो भाई सारा काम ही हो गया, नंबर फोटो उस पर सब कुछ मिल जाएगा, कॉन्टेक्ट करो और आ जाएंगे खुद से, या लेने जाना पड़ता है? ऐसे डिवाइड होते हैं कि एक कॉन्टेक्ट कितने ले रहे हो, अगर आप घर पे उसके फ्लैट पे जाओगे, उसके फ्लैट पे जाओगे तो अलग प्राइस है, अलग प्राइस है, अलग प्राइस है, तो अलग प्राइस है। पूरी रात के लिए करना है तो अलग प्राइस है, एक बारी दो बारी मतलब एक घंटे के लिए करना है तो अलग, घंटों के हिसाब से सिस्टम चलता है यहाँ पे। और मतलब किसी ने सिर्फ टाइम पास करना हो, मतलब बातचीत करनी हो, बातचीत करने के लिए क्यों बोला? अरे फिर भी कई लोग होता है ना, आज से पहले मैंने किसी फॉरनर को देखा नहीं, अरे उससे बात ही कर लो। तो ऐसी स्ट्रीट पे अच्छा, उनको इंग्लिश में बात इंग्लिश आती है? उनको इंग्लिश नहीं, कुछ कुछ को आती है, जैसे करीना को आती है। करीना को आती है? करीना को तो हिंदी, भाई करीना को इंग्लिश आती है, हिंदी भी आती है भाई? सब इंडियंस ने हिंदी सिखा डाला उस करीना को, भाई साहब कमाल हो गया भाई। ऐप का नाम दोबारा बता, ढंग से बताना। किसदार.net किसदार.net ये साइट है, इस पे सब साइट है या ऐप है? साइट है, ऐप नहीं है, वेबसाइट है भाई। तो यहाँ पे मतलब इस चीज को, ये लीगल है यहाँ पे? लीगल, यहाँ पे लीगल है भाई, सबसे बड़ी चीज लीगल है, प्रोस्टिट्यूशन लीगल है भाई, जैसे थाईलैंड में लीगल है वैसे यहाँ पे लीगल है भाई। तो यहाँ मतलब जो लोग आना चाहते हो नाइट लाइफ को लेके, माइंड में जो पिक्चर बना रहे हो बना लो भाई, समझ रहे हो, बना लो बोला। होटल वगैरह ऐसा लेना है जहाँ पे मतलब सारा सामान का हिसाब है, बैठे तो आप इंजॉय कर सकते हो। और कोई खास बात, किन चीज़ों का खास ध्यान रखना है? खास चीज़ें ये, रात में बाहर आओ तो कुछ जगह ऐसी जाम नहीं जाना चाहिए भाई। थोड़ा ऐसा है, यहाँ के लोग ना थोड़ा प्रोफेशनल होते हैं, कहते हैं फाइटर होते हैं, तो उनसे जरा ना लड़ाई झगड़े के बारे में सोचना मत, सीधा आपका मुंह का नक्शा बदल देंगे, सिर्फ मुक्के मारते हैं थोपड़े पे, मतलब इंडिया की तरह नहीं, गुत्थम गुत्थी हो रहे हैं, गाली दे रहे हैं, मैं तेरी ये कर दूंगा, वो सीधा मुँह तोड़ देते हैं वो। तो इसलिए दारू पी के फाइटर सब यही है, दारू पी के पंगा नहीं लेना। बाकी ये कि यहाँ की लड़कियाँ सारी हसमुख है, सबसे किसी से ही बात करो कोई दिक्कत नहीं है, आप में गट्स हैं और थोड़ी बहुत लैंग्वेज आती है रशियन, आप कैमरा देख के भी सब स्माइल करके जा रही है। हाँ, और अगर आप चाहो आपके अंदर बबात है और आपको आती है रशियन, तो भाई साहब आप तो राजा हो यहाँ के, है ना? फिर तो मतलब हर किसी को लेके जा सकते हो, मतलब हर किसी को नहीं, मतलब ऑलमोस्ट लड़कियों को, मतलब इंडियंस को पसंद करती है। और यहाँ का माहौल बहुत बढ़िया है, आसपास सारे क्लब आसपास ही है सारे। बाकी आपका होटल होना चाहिए अच्छा सा, जहाँ पे आप ले जा सको, उनकी जगह भी जा सकते हो, दोनों ऑप्शन आपके आज के फ्लैट पे जा सकते हैं। में प्रीवियत बोलते हैं, प्रीवियत बोलते हैं, इराक में सलाम, सलाम बोलते हैं। सामान दिखाना हो कि इस तरह का सामान होता है, वो कहाँ दिखेगा? साइड पे चेक करो, वो साइड पे चेक होगा। मतलब ऐसी कोई स्ट्रीट नहीं है कि जहाँ पे भरमार लाइन लगी हो, क्लब वगैरह के बाहर लाइन लगी रहती है, क्लब वगैरह के बाहर। और ऑलमोस्ट जो लड़कियाँ क्लब वाली हैं सारी उसी तरह की हैं, मतलब क्लब वाली लड़कियाँ ऑलमोस्ट यही काम के लिए आती है, और इजी मनी है ना भाई। और रेट क्या रहता है वैसे, मिनिमम रेट क्या होता है? 800 रुपये, 10,000 टेंगे, 5,000 टेंगे, यानी 1,000 रुपये से स्टार्ट हो जाता है सामान, समझ रहे, इंडियन 1,000 रुपये। और उसके बाद आपके ऊपर है बार्गेनिंग करके, भैया दो हूँ तीन हूँ, यहाँ है वो है, ले जाओ और फिर मौज करो। और क्या भाई, लोगों से काफ़ी इन्फॉर्मेशन ले ली है, बाकी ये स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे। तो भाई लोग जैसा कि मैंने तुम्हें बताया भाई, यहाँ पे पता चला माहौल ना बहुत ही ज़्यादा गर्मा गर्म है, भाई लोगों ने काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दी, और यहाँ पे जो नाइट लाइफ को चीज़ें बताई जा रही हैं वो सब लीगल है भाई साहब, मुझे तो अभी पता चला है, मुझे आइडिया नहीं था इस चीज़ का कि यहाँ पे ये सारी चीज़ें लीगल है भाई। तो भाई साहब आपके लिए जन्नत है, और यहाँ ठंड भी बहुत पड़ती है, मौसम भी बहुत बढ़िया रहता है। तो चलो, एक अंदर एक मॉल है, इसके अंदर सुनने में आया भाई बता रहे हैं कि यहाँ पे आईफोन भी सस्ता है, तो वो देख आते हैं। हेलो, तो आईफोन 15 आ चुका है यहाँ पे, आईफोन की पूरी मार्केट है यार, ऊपर भी है, ऊपर भी है। अरे भैया रेट लिस्ट लगी हुई है, कौन सा लिया था अपना? मैं 1.5 साल पहले 13 लिया था, 14 प्रो मैक्स 7,00,000 टेंगे का, 1 TB वाला, 512 है तुम्हारा, 690 का, और टेंगे यार 5.5 रुपये से डिवाइड कर लेना भाई, मोटा मोटा। आईफोन वगैरह लेना हो तो डेफिनेटली ले सकते हो, ऊपर सेकेंड हैंड मिलते हैं, पूरी मार्केट इस चीज़ की भाई, तभी मैं सोचूं यहाँ पे सभी लोग आईफोन को लेके घूम रहे हैं भाई। थोड़ी लाइट कम है इस साइड से, ठीक है यार, और नज़ारे देख लो बहुत ही प्यारे हैं। अगर नाइट लाइफ इंजॉय करना चाहते हो, देखो थाईलैंड की तरह आप चाहोगे भैया जगह जगह ऐसे दिख जाए, वो नहीं दिखने वाला, पर यहाँ पे सब कुछ लीगल है, और इन सब चीज़ों को इंजॉय करना चाहते हो तो क्लब्स में चले आओ, फ्री में भी काम हो जाएगा। और बताया जा रहा है यहाँ पे ना गर्मियों में रात के 12-1-2 बजे तक क्राउड रहता है, जगह जगह लड़की हैं और हंस के बात करती हैं, कोई दिक्कत नहीं आती यार। आई गिव यू दिस इज प्रमोशन, ये भी प्रमोशन कर रहे हैं।
थैंक यू। स्टूडेंट्स हो ना सारे? सब मेडिकल के हो गए? चलो राजस्थान के हो? हरियाणा से। हरियाणा राजस्थान मिक्स। हाँ वो चलो बढ़िया भाई। आप टूरिस्ट? आप कहाँ से हो? हाँ टूरिस्ट ही हूँ, थोड़ा ट्रैवल कर रहा हूँ, थोड़ा सा व्लॉग बना रहा हूँ। वैसे आप कहाँ से हो? मैं दिल्ली से हूँ। दिल्ली से। क्या नाम बताओ, फटाफट नाम बताओ मेरे भाई। हाँ हिमांशु नाम है भाई का। दीपक यादव। दीपक यादव। प्रदीप यादव। प्रदीप यादव ये हरियाणा वाले हैं। तनिषा और राधिया। पढ़ाई होती भी है? नहीं होती। मुझे तो कई लोग बता रहे बस ऐसे ही फॉर्मेट। अगर यूआईबी में आगे और शहजाद सर के अंडर है तो पढ़ाई होगी। कौन से सर के अंदर? वो इंडियन है। यूआईबी में सभी टीचर इंडियन है, फायदा है। क्या बात है। क्या भैया सुन लो, अगर आप प्लान कर रहे हो तो जो बता रहे हैं उसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है। कौन सी यूनिवर्सिटी है? यूआईबी आईएमएस। चलो बढ़िया यार, मतलब ऐसे स्टूडेंट लाइफ अच्छी है यहाँ पे? इंजॉय करते हो? फुल फुल एंजॉय करते हो? देखो भी देख लो, माँ बाप अगर देख रहे हो ना ये इंजॉय करते हैं, हमें पढ़ते नहीं है। चलो अच्छा पढ़ाई करके आए। नहीं पढ़ नहीं, अच्छा है। कल छुट्टी मतलब सैटरडे संडे ऑफ है ना, तो इसलिए बाहर आ गए। चलो करो इंजॉय यार, मिलने के अच्छा लगा आप लोगों से यार। बाय बाय। कुछ इंडियन शायद लोकल के साथ भी सेटिंग है। काफी अच्छा क्राउड है, काफी अच्छा माहौल है। बात आप किससे भी कर सकते हो। दारू सिगरेट दूसरा सामान और पेट्रोल सब सस्ता है, बस रहना महंगा है। और थोड़ा फूड अगर आप लोकल खाते हो हेलो तो वो थोड़ा सा वो है भाई। ये देख लो बहुत ही खूबसूरत स्ट्रीट है। नाइट लाइफ के लिए भैया जन्नत कह रहे हैं कि है, कुछ एक वेबसाइट मैंने बता दी है, उस वेबसाइट पर जाके आप अपना प्रोग्राम जो भी सेटिंग करनी हो या कर सकते हो, घर पे ले आना हो कहीं भी ले आना हो, वो सारे काम होते हैं यहाँ पे। तो बेसिकली नाइट लाइफ यहाँ फुल ऑन है। क्लब्स वगैरह में जितना सामान जाता है वो सारा ही कह रहे हैं भैया वो दूसरा ही होता है। तो अगर आपके अंदर बात है तो आप भैया वो वाला काम भी यहाँ कर सकते हो। बात समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यहाँ से एक दोबारा राउंड काट दो चलेंगे भैया। मैंने एक चीज़ और नोटिस करी है, यहाँ पे ना बहुत कम उम्र में शादियाँ हो जाती हैं। बहुत कम उम्र में आप देखोगे ना, बहुत यंग उम्र की लड़कियाँ बच्चा मतलब ले कर चल रही होती हैं। अब भाई उनका सिस्टम है, पर वैसे बता रहा हूँ भाई देखो फाउंटेन फिलहाल रात को चला रखा है, इनको लाइटें भी जलानी चाहिए थी, पर अच्छा लग रहा जो भी कह दो। हेलो हाय, बाकी तो आपके ऊपर है बातचीत करना है, थोड़ी बहुत आपने ट्रांसलेटर चलाना है भैया, काम आपका बन जाएगा बढ़िया तरीके से। यहाँ जगह जगह बैठने की इस तरह जगह बनी हुई है। ये वो मॉल है इसी के, यहाँ पे आपको आईफोन काफ़ी सस्ता मिल जाएगा। भरे पड़े हैं यहाँ पे इंडियंस भी बथेरे हैं यार। ये नाइस, यहाँ कुछ प्रोग्राम हो रहा है क्या? क्या कर रहे हैं? इसका गाना है ठीक है यार, बढ़िया है। हेलो हाय, यू आर फ्रॉम कजान? लोकल? यू आर फ्रॉम चाइना? ओके, यू आर फ्रॉम इंडिया? नाइस टू मीट यू, थैंक यू। ये भाई लोगों का ग्रुप मुझे कल भी मिला था, ये आज दोबारा मिला है। सारे लोग ग्रुप में घूमते हो गए तुम लोग? बाय बाय। और खाने के ऑप्शन भी बहुत सारे हैं यार, आप अगर खाने का शौकीन हो तो यार वाकई मज़ा आ जाएगा आपको इस जगह पे। इस तरह से ना रेस्टोरेंट्स वगैरह बहुत ही प्यारे, बहुत ही खूबसूरत। हेलो हाय हाय हेलो। तो भाई यहाँ का माहौल आपको दिखाया है, बाकी क्लब व्लब देखते हैं कि आसपास कौन सा क्लब और कहाँ जाना चाहिए। बाकी जो बताया गया लड़कों ने बताया कि भाई यहाँ के जो क्लब्स हैं सारी जगहों पे अंदर आप इंजॉय कर सकते हो, फुल ऑन मस्ती कर सकते हो, और भाई साहब सारे काम होते हैं। इवन अगर आपके अंदर बात है तो बाथरूम के अंदर भी काम होते हैं, बाकी रूम में तो काम होते ही होते हैं। बाकी आप देख लेना अपने हिसाब से। यहाँ के आसपास सारे 1.5 किलोमीटर 1 किलोमीटर के दायरे में क्लब भी हैं और पोल डांस क्लब भी है, समझ रहे हो ना, न्यू डांस जिसमें चलता है। भाई भीड़ इतनी लगी हुई है, पता नहीं क्या ही सुन रहे हैं। भाई जैसे बाहर निकलो यहाँ पे क्लब्स काफ़ी सारे हैं। ये देखो एक और क्लब है फोटोसा ओनली 21। तो भाई अभी क्लब ना स्टार्ट नहीं हुए, रात को स्टार्ट होते हैं यहाँ पे। भाई देखो काम कैसे होता है यहाँ पे, गाड़ी आई है सफाई करके ले जाएंगे, कूड़ा निकाल के ले जाएंगे। हाँ इंडिया इंडिया, यहाँ पे जितने कूड़े के हो ना लोहे के हैं, गुड जॉब। क्या हमारे यहाँ पे तो प्लास्टिक के कूड़े के डब्बे रखते हैं वो जो टूट जाते हैं। और यहाँ पे क्लब्स कैफेज वगैरह काफ़ी सारे, काफ़ी अच्छा क्राउड है भाई। और हल्का हल्का बारिश आने लग गई है, अक्टूबर लास्ट होगा तो शायद यहाँ पे तो स्नो पड़ने शुरू हो जाती है ऐसे ही। ये देखो बाहर बैठते हैं चिल करते हैं सब। ये देखो गाड़ी जी वैगन ऐसे खड़ी है सड़क पर। तो सुनने में आया जो बता रहे लड़के भैया यहाँ पे ऑलमोस्ट जो लड़कियाँ रात को निकली हुई हैं वो सारी, समझ रहे हो ना मेरी बात। कितनी बढ़िया थीम इनके रेस्टोरेंट की यार, देखो अलग ही तरह से झूले वूले लगा रखे हैं, खाने खुने का बढ़िया। मैं तो भैया 100% रिकमेंड करूँगा अगर कुछ अलग जगह घूमना चाहते हो और साथ में मिक्स चाहते हो भैया नाइट लाइफ का, तो वो भी मिलता है। पर नाइट लाइफ इस तरह से ऊपर नहीं रहती जैसे थाईलैंड में होती है, पर ये कि यहाँ पे नाइट लाइफ है। भैया गर्ल्स ही गर्ल्स नजर आएंगी। हेलो
Fine. Hello. Hello. What is your name? What is your name? My name is Shudas. Shugas. Yeah. Shudas. Shudas. Da Shudas. Da Shudas. Kuch ta kuch to keh rahi hai ye. Привет. Привет. Yes. Hello. My Hello. Name is Shudas. My name is Akjan. Oh, what are you doing? Amata. Amata. Study. Da. Student. Da. Both are student. Da. Yes. 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 Hello. We are from India. Say hello, India. Hello, yeah, India. You know Shah Rukh Khan? You seen Bollywood movie? Shah Rukh Khan. Не понял. Nothing. Okay. Давайте. Пока, пока. Nice to meet you. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye. तो भाई लैंग्वेज प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है. लैंग्वेज प्रॉब्लम ना हो तो शायद इतनी दिक्कत ना हो. फिलहाल हम चल रहे हैं भैया निकल के, मेरे को क्लब एक्चुअली मिले नहीं. क्लब के लिए दोबारा आएंगे, आपको क्लब दिखा देंगे. फिलहाल आज के सफ़र को मेरे ख्याल से इतने रखेंगे. ज़िंदगी बहुत छोटी है, दुनिया बहुत बड़ी है भैया, तो इसलिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और प्यार बरसाते रहिए. मिलते हैं अगली सी वीडियो में, प्यारी सी वीडियो में. बने रहिएगा, प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा. बाय बाय गाइस. बाय बाय. बाय बाय. I feel like I'm losing my mind.